Hello everyone, this is Mansi from evenhathi.in. Now we are starting with question number 5, exercise 14.2. So in this question we have, factorize the following expressions. The first part is p square plus 6p plus 2n. So yahan pe mere paas 3 terms hai. Jab hamare paas is form mein hoti hai ki pehle jo term hai uska square, fir uske saath term multiply ho raha hai and then last mein numeric. So is type ki expressions mein hum middle term splitting करते हैं. Middle term means हमारी यहाँ पे middle term क्या है? 6p. So हम इसको इस तरह से split करते हैं कि ये जो 3 terms हैं ये 4 terms में आ जाए. अब इसको split करने की 2 rules हैं. एक तो जिन numbers में आप इसे split करोगे, जैसे let's suppose हम यहाँ पे 6 को split कर रहे हैं, तो जिन दो numbers में हम इसको split करेंगे, एक तो उनको multiply करने के बाद आपके पास ये last वाला number आना चाहिए. मतलब जिन दो नंबर्स में आप इसको स्प्लिट करोगे वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए. दिस इज रूल नंबर 1 कि मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला नंबर आना चाहिए. रूल नंबर 2 इज प्लस या माइनस करके, मतलब जो दो नंबर्स आपने लिए हैं उनको ऐड या सबट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए. सिंस यहां पे प्लस का साइन है तो प्लस करके 6 आना चाहिए. अगर माइनस होता तो हमें ऐसा चाहिए होता कि जिसको माइनस कर दिया, जिसमें माइनस का साइन आए ये नंबर आना चाहिए. सो नाउ हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस करके 6 आए. सबसे पहले देखते हैं 8 किस-किस में आ सकता है. मींस 1 हो सकता है हमारे पास 4 into 2 because 4 2 is 8. 1 हो सकता है 8 into 1 because 8 1 is 8. सो ये दो ऑप्शंस हैं कि हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. अब हमें चेक करना है इन दोनों में से किसको प्लस करके 6 आ रहा है. अगर हम इन दोनों को प्लस करें, सो 4 plus 2 is 6, means ये जस्टिफाइड है. 8 plus 1 is 9, means मल्टीप्लाई का रूल तो फॉलो हो रहा है लेकिन प्लस करके 6 नहीं आ रहा. सो जो दो नंबर्स होंगे दे आर 4 एंड 2. सो मींस इस 6p को हमें 4 और 2 में स्प्लिट करना है. लेट्स सी कैसे करते हैं. यहां हमने लिख दिया p स्क्वायर प्लस 6p को हम लिख देंगे दो नंबर्स में 4 और 2. साथ में p है सो 4p प्लस 2p एंड साथ में प्लस 8 एज इट इज. यहां पे 4 प्लस 2 इज 6, राइट. 4 into 2 इज 8. मींस अब यहां पे हम चारों में से दो पेयर्स बना लेंगे, जैसे कि हम ग्रुप करके करते हैं ना फैक्टराइज, सेम उसी तरह. सो फर्स्ट वाले ग्रुप में क्या कॉमन है, p दोनों में है. सो हमारे पास बचा है यहां पे p दो बार था, एक बार कॉमन चला गया, एक बार बच गया, प्लस 4p में से p चला गया तो हमारे पास बचा 4. अब यहां इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में नंबर कॉमन है व्हिच इज 2, बिकॉज़ 2 1 इज 2, 2 4 इज 8. सो हम यहां पे 2 कॉमन लेंगे. इस साइड हमारे पास बचा p प्लस 8 की जगह क्या आएगा, 2 4 इज 8. अगेन वी विल सी जो यहां पे ब्रैकेट वाले नंबर्स है वो सेम हो गए हैं. सो यहां पे इसको हम कॉमन ले लेंगे p plus 4. सो हमारे पास बचा इस ग्रुप में से p एंड इस ग्रुप में से plus 2. सो p plus 4 एंड p plus 2 इज द आंसर. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हमारे पास है q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. अगेन यहां पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है. सो मिडिल टर्म यहां पे हमारे पास है 10q एंड देन अगेन वही दो रूल्स फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 21 आए और प्लस माइनस करके 10 आए. सो सबसे पहले हमें पता है हमें माइनस 10q को स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने में उसे मल्टीप्लाई करने भी 21 आना चाहिए. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन दो नंबर्स ऐसे हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 21 आता है. सो वी नो दैट 3 के टेबल में 21 आता है. 3 into 7 is 21. और किसी के टेबल में 21 नहीं आता, 7 में आता है. सो वो 7 3 का एक ही बात है, दोनों नंबर्स तब भी 3 और 7 ही होंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग है कि प्लस या माइनस करने पे 10 आए, लेकिन यहां पे माइनस 10 है. सो प्लस माइनस करने पे माइनस 10 आना चाहिए, प्लस 10 नहीं. सो नाउ 3 माइनस 7 अगर हम करें, सो प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 इज 4. तो ये 10 तो नहीं आया, लेकिन 7 प्लस 3 करें, अगर हम 3 प्लस 7 करें सो दिस इज 10. लेकिन अब ये पॉजिटिव 10 है. सो इन दिस केस व्हाट वी कैन डू इज माइनस 3
minus 7. अगर minus 3 minus 7 करें, so minus minus plus sin आएगा, minus का और numbers होंगे plus, so हमारे पास आ जाएगा minus 10. So this means यहाँ पे हम minus 3 और minus 7 लेंगे. So this will be q square साथ में minus 3 q minus 7 q plus 21. Also ये आपको ये भी ध्यान रखना है इनको जब हम multiply करें अगर इसमें से एक minus होता So, यहाँ पे जब हम multiply करते तो ये minus 21 हो जाता और हमें चाहिए plus. So, 7 threes are 21 minus minus plus. So, ये वाले sign का भी ध्यान रखना है और ये वाले sign का. ठीक है? Now, अब लेते हैं common. So, q square minus 3q में से q common आ गया. यहाँ पे बचा q minus 3q में से 3. Next, we have minus 7q plus 21. So, 7 common आएगा. यहाँ बचेगा q और इसकी जगह बचेगा 3. अब मैंने यहाँ sign नहीं लगाया क्यों? Because इसमें मुझे check करना पड़ेगा कि मुझे अंदर plus चाहिए या minus चाहिए. अंदर मुझे minus का sign चाहिए इससे same करने के लिए. So अगर यहाँ minus चाहिए तो बाहर minus common लेना पड़ेगा. इसलिए बाहर minus common लिया तो इसका sign change हो जाएगा और ये minus हो जाएगा. अब q minus 3 q minus 3 common हो गया. So q minus 3 हमने common ले लिया, यहाँ पे बचा q and यहाँ पे बचा minus 7. So this is the answer. This was part number 2. Let's come to the next part. Now coming to the next part. अब हमारे पास है p square plus 6p minus 16. So यहाँ पे जो 6 है, इसको हमें split करना है, right? और split इस तरह से करना है कि multiply करके 16 आए and plus या minus करके 6 आए. So multiply करके हमें चाहिए 16. तो पहले हम ऐसे numbers लिखते हैं जिनको multiply करके 16 आता है. So 16 2 के table में आता है. 2 into 8 होता है 16, right? 4 के table में आता है. 4 4s are 16. Then 8 के table में आता है. 8 2s are 16. तो वो 2 और 8 हम ले चुके हैं. So यहाँ पे दो possibilities हैं जिसे multiply करके 16 आता है. अब हमें देखना है इनमें से किसको प्लस या माइनस करके 6 आता है. So 4 plus 4 is 8. 4 minus 4 is 0. So means ये नहीं हो सकता. 2 plus 8 is 10. So 10 भी नहीं है. But 8 minus 2 is 6. So means ये दो numbers हम ले सकते हैं. 2 और 8. ठीक है? ये तो हो गए numbers का plus और multiply हो रहा है. अब आते हैं sign पे. So, हमें sign कौन सा चाहिए? जब हम plus करेंगे, यहाँ पे minus हो रहा है. So, जब minus करेंगे, तो हमें plus का sign चाहिए. जब multiply करेंगे, तो minus का sign चाहिए. And we know that, अगर दोनों minus के हैं, so minus minus, ये दोनों plus हो जाएंगे, वो भी गलत है. And also minus minus plus, so यहाँ पे भी plus का sign आ जाएगा. Means, एक plus का रखना पड़ेगा, एक minus का. So, यहाँ पे हमें plus चाहिए. तो बड़े वाले के साथ plus का sign, छोटे वाले के साथ माइनस का साइन. नाउ प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया 6 साइन आएगा प्लस का और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का. सो जो दो नंबर्स हमें चाहिए दे आर माइनस 2 एंड प्लस 8. सो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे. ये हो गया p स्क्वायर और प्लस 6p को हम लिख सकते हैं प्लस 8p माइनस 2p because 8 minus 2 is 6 and 8 2s are 16, right? अब आते हैं common लेने पे. तो इन दोनों में से common आएगा p. So this will be in bracket बचा 8p plus p चला गया 8. Now अब हम लेंगे common. दोनों में minus का sign है तो हमने minus ले लिया और 2 common है. यहाँ पे बचा p plus because बाहर minus ले तो ये change हो जाएगा and 2 8s are 16. So now, अब इन दोनों में p plus 8 आ रहे हैं. So p plus 8 common आ गया. So we are left with p minus 2. So this is the answer. Okay, this was the last part of this question and also the last question of this exercise. With this, we complete our exercise for 14.2. If there's any doubt, any query, please write it in the comments below and also do subscribe our channel. Bye-bye for now.